इस तरह से ना आजमाओ मुझे इस तरह से ना आजमाओ मुझे उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे इस तरह से ना आजमाओ मुझे उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे मैंने बोला था याद मत आना झूठ बोला था याद आओ मुझे मैंने गीच्ट... मैंने बोला था याद मत आना झूठ बोला था याद आओ मुझे दोस्तों को ना आग लग जाए अपनी डीपी पे मत लगाओ मुझे अली so भाई थैंक 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 यू 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 जो आज ये यूथ मुल्की हमारे साथ है और जो टीवी पे लोग हमें देख रहे हैं इन लोगों के शो और इन लोगों का जो जज्बा है उसके बाद आई थिंक आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के एक नामवर शायर हमारे साथ मौजूद हैं पूरी दुनिया इनसे वाकिफ है उर्दू पंजाबी फारसी और कई लैंग्वेजेस में इन्होंने शायरी करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली लोगों के दिल जीत लिए प्यार और अमन का पैगाम पहुंचाया इन्होंने हमेशा आपकी भरपूर तालियों में एक दफा फिर कहना चाहूंगा तो वन एंड ओनली अली जरूर थैंक यू सो मच तशरीफ रखें आ जाए जी आ जाए तशरीफ रखें तशरीफ रखें मेरी बात, मेरी बात बात सुनो सुनो अच्छा मैं यहाँ बैठता हूँ तुम लोग यहाँ बैठ जाओ कोई मसला क्या बात है ये ये अरे आपके फैंस हैं अरे अरे और अली भाई जितनी आपके शेर व शायरी की जरूरत इनको पड़ती ना बच्चों को लेकिन बनता इनका फिर भी कुछ नहीं जो 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 मुर्शिद वही हाल है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपका अली भाई ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें इतना इतनी मोहब्बत शेर और शायरी के लिए मुझे अब उस तरह नजर नहीं आती इसकी क्या वजह है क्यों इनको उस तरह के शेर नहीं आते जो आप अपने वक्तों में वक्त तो आपका अभी आपका तो जमाना है जमाना, है। जमाना, जमाना, जमाना आगा। आगा। आगा� यार असल में ये था कि पहले ऐसा होता था कि मुश्किल उर्दू थी अब दौर बदला है पहले ख़त होते थे अब टेक्स्ट होता है और पहले टेक्स्ट वाले फ़ोन भी होते थे जब हमारे दौर में आप तो माशाल्लाह सब नौजवान हैं हमने नोकिया तेती दस एक फ़ोन होता था हले भी है अच्छा चलो ठीक उन व्हाट्सएप होता है हाँ अब व्हाट्सएप है तो अब वो हाँ इंस्टाग्राम पर चलो पहले तुम दस लो मैं फिर तुम अपनी कर लो तो अब वो दौर नहीं रह गया अब नया दौर है नया जमाना जैसे आपने कहा तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाती हैं वैसे वैसे तकाज़े बदलते जाते हैं तो अब इन लोगों का शायरी की तरफ आना शायद और अच्छा है क्योंकि ये अब अदब और लिटरेचर के साथ जुड़ गए हैं आपने देखा कैसे प्यार से उन्होंने शेर सुने हैं और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने नवाज़ा है तो मैं तो इनका शुक्र गुजार हूँ कि चलो किसी और काम में नहीं लगे शायरी में लगे चलो जो भी शायरी सीखी है ये सुबह के टाइम इस्तेमाल करनी रात को पैकेज लगा के नहीं ठीक है चलो छुट्टी होगी थैंक 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 यू 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 सो सो मच मच बहुत तालियां इन बच्चों के लिए फॉर कमिंग ऑनेस्टली जब मेरी आपसे बात हुई तभी मैंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि आप अगर शो पर आएंगे तो एक और ही किस्म की वाइब होगी एक और ही किस्म का मजा होगा तो सबसे पहले तो ये बताएं ये मैं भी ये ये मुल्क के जो नौजवान है ये भी पूछना चाहते हैं कि दिल तोड़वाए बगैर भी शायर बन सकता है इंसान दिल का टूटना जो है वो किसी भी आर्ट के लिए ज़रूरी है ये नहीं हो सकता कि दिल टूट जाए तो बंदा शायर बन जाए इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के दिल टूटते हैं लेकिन वो सब शायर नहीं होते शायर वो चंद लोग होते हैं जो उन लाखों करोड़ों लोगों के वो अल्फाज देते हैं जो वो बोलना चाहते हैं मगर कह नहीं सकते तो शायर बहुत ख़ास होता है तो उसके लिए मोहब्बत और मोहब्बत में उसके दिल का टूटना एक ब्लेसिंग माना जाता है और मुझ पे ये ब्लेसिंग बहुत हुई है तो आपकी बात से जो मैं बात समझाऊं कि शायर दूसरों की आवाज़ बनता है। बिल्कुल ऐसे ही क्या बात है तो दिल काफी बारी टूटे भाई नहीं यार दिल एक बार ही टूटे से वो एक बार जो टूटे बाद फिर जुड़ेगा नहीं आए वो नहीं जुड़ेगा बचपन में ही हो गया था हादसा या बाद नहीं ये बचपन में नहीं हुआ था थोड़ी मतलब जब शायरी शुरू हुई है तब तो शायरी में मुझे जब शायरी का आगाज़ हुआ है तब मोहब्बत का बिल्कुल नहीं पता था और मैं तब शायरी मोहब्बत की ऐसी करता भी नहीं था फिर कुछ अरसे बाद एक सानहा हुआ एक हादसा हुआ उसके बाद कुछ ज़िंदगी की और शायरी के मानी समझ में आए तो जब वो दिल पे बीती तो कोशिश की कि कुछ ऐसा हो कि जो सिर्फ़ मेरी आवाज़ ना हो वो तो जितने भी ये लोग हैं अल्लाह करे इनके दिल सलामत रहें मैं कभी ना चाहूँगा कि इनके दिल टूटें इनके ख्वाब बिखरें मैं चाहूँगा कि ये मोहब्बत तो करें लेकिन ये ख्वाहिश शायद पूरी नहीं होती क्योंकि मोहब्बत जब होती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ पेन और एक दिल का टूटना ज़रूर लाती है तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ और आज मैं आपके सामने वाह क्या बात है अभी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें क्योंकि दिल टूटिया ना तो अबा जी ने टंगा तोड़ दे दिया तो भाई मोहब्बत एक ही दफा होती है या बार बार हो जाती है यार पसंद आपको लोग आते हैं हमने मोहब्बत का जो है ना बहुत गलत माना हुआ है मेरा शेर है कि तू जो हर रोज नए हुसन पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे है क्या जाने दे ओय, 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 ओय। तो ये जो रोज किसी हुसन पे मर जाना है आए दिन किसी को आज मोहब्बत हो गई दूसरे दिन एक और बंदा पसंद आ गया चेहरा पसंद आ गया तो दैट्स नॉट लव मोहब्बत आपको ग्रो करती है और ये कहीं जाकर होती है किसी एज उम्र के किसी खास हिस्से में जाके आपको एहसास होता है कि हाँ, अब आप मोहब्बत तजुर्बे हैं जिनको हम लोग मोहब्बत समझ लेते हैं लेकिन वो मोहब्बत होती नहीं अरे तजुर्बे नई चीज मेरा मानना ये है कि मोहब्बत एक बार है आदमी जिंदगी में सिर्फ एक बार जिबा हो सकता है दूसरी बार नहीं हो सकता वाह और ये पहली बार वाली मोहब्बत नहीं हाँ तीसरी बार अभी भी किसी वक्त भी जो एहसास आपको मुकम्मल कर दे कि बस अब यहाँ पर मेरा जो है ना वो आंखों का सफर खत्म हो गया है उसके बाद फिर आप किसी दूसरी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते कोई आपको पसंद आता ही नहीं है अच्छा ही नहीं लगता कोई मुझ पर किसी के हुस्न का होता नहीं असर ऐसी लगी हुई है किसी की नज़र मुझे आए अली भाई मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी हाँ जिसमें मैंने बोला कि मोहब्बत टू वे होती है मोहब्बत दो तरफा होती है लेकिन आप कहते हैं मोहब्बत एक तरफा होती हाँ। है क्या मोहब्बत की उम्मीद रखना भीख मांगने के बराबर है मेरे नज़दीक तो है मैं कहता हूं कि ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है ऐ शख्स तू अंदर से भिकारी तो नहीं है हमारा मैं तुम्हें गलत नहीं कहता कि तुम तुमने जो कहा वो खूबसूरत बात थी वो अपना तुम्हारा तजुर्बा है लेकिन ये जो टू वे का सिलसिला है ना एक्सीडेंट होते भी टू वे से हैं कोई उधर से ट्रैफिक आ रही है कोई उधर से ट्रैफिक जा रही है मोहब्बत है मानने का नाम मोहब्बत मांगने का नाम नहीं है ये मानने का नाम मानने का नाम। और नाम। मानना एक तरफ से है दूसरा आदमी सिर्फ उस मोहब्बत का रिप्लाई कर रहा होता है

उसमें आपको किसी इंसान की याद ही उसका वजूद सामने कर देती है आप उसकी कोई याद देख कर उसको महसूस करते हैं कोई भी उसकी याद जुड़ी हुई हो एक टिश्यू पेपर मैं भी अपने वॉलेट में लिए फिरता हूँ तो ऐसा होता है ऐसा होता है यादों तो के साथ आप जुड़ जाते हैं मुझे बताएं आप फैसलाबाद से से जी मैं से कौन सी चक्की का आटा लोग खाते हैं कि इस लेवल के आर्टिस्ट निकलते हैं

तो माइक पर आके मैंने सबसे पहले तो अम्मी अबू को याद किया माँ जी को याद किया बाबा को याद किया फिर मैंने दुआ मांगी मैंने कहा यहाँ ये इतना बदतमीज़ लोग हैं इनको शायर का पता नहीं है तो एक जोश सा मेरे अंदर से उठाना तो जो बंदा बहुत झुकते कर रहा था ना वो हर शायर को हूट कर रहा था तो मैंने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि ज़ाहर सादी बातन धारी लख लन सोवारी वो बंदा तो सारे लोगों ने उसकी तरफ देख के तो उसके बाद फिर वो चला गया तो ये चीज़ें होती रहती हैं लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बंदा रोस्टरम पे है ना उसका और उसका जो ऑडियंस में बैठा है उसका ज़माने का इल्म का तजुर्बे का और सफ़र का फ़र्क होता है और उस सफ़र की इज़्ज़त करनी चाहिए वाह बहुत प्यारी बात की है अली भाई मुझे बताएं इसी से बात आगे लेकर चलता हूँ कि मुल्क के हालात आपके सामने हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है पेट्रोल की कीमतें बिजली की तो बात ही ना करें इसके ऊपर कोई शेर। आपने बहुत अच्छी चीज याद दिलाई अब मुझे चूंकि मैं एक चीज है मेरे पास अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सर, क्योंकि ये लोग बिस्मिल्लाह करें क्योंकि ये जो हालात मुल्क के हो गए हैं यही सुनना चाहते हैं लोग मैं मैंने एक गजल जो है वो लिखी थी कि जो सादे हैं सभी भूखे मरेंगे जो सादे हैं सभी भूखे मरेंगे फकत कुछ यूट्यूबर बच रहे हैं जो सादे हैं सभी भूखे मरेंगे फकत कुछ यूट्यूबर बच रहेंगे बहुत महंगाई है सो एहतन हम अपने बीवी बच्चों से लड़ेंगे क्या बात है क्या बात है आए, बहुत महंगाई है सो एहतन हम अपने बीवी बच्चों से लड़ेंगे अलग होने से कुछ कम तो नहीं है अलग होने से कुछ कम तो नहीं, नहीं है कि अब हम अपना अपना बिल भरेंगे आए, आए। अलग होने से कुछ कम तो नहीं है कि अब हम अपना अपना बिल भरेंगे और आखिरी शेर है कि बना बैठा हूँ दो कब्रों से मैं तो वालदेन के लिए बना बैठा हूँ दो कब्रों तो से, से मैं तो, तो वो अच्छे हैं कि जो हिजरत करेंगे आ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत तो अच्छे। मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं इन हालात में आप जैसे लोगों का होना कि जो ऐसे हालात में ऐसे हालात में कि जब लोग घर आते हुए घबराते हैं जब वो टीवी शो लगाते हैं मोमिन साकिब को हंसता हुआ देखते हैं तो शायद उनके दिलों की धड़कन तेज़ भी होती होगी और उनको थोड़ी तसल्ली भी होती होगी कि कुछ चेहरे हैं जो आज के महंगे दौर में भी हमें बहुत अच्छा मज़ा बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट मारे लिए मुफ्त पैदा कर रहे हैं तो लिए इसलिए ये ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है अली भाई वरना आप भी जिस तरह मैंने बोला लोगों की आवाज़ जो बनते हैं आजकल के दौर में जब लोगों को इतना स्ट्रेस है इतनी टेंशन है कि उनके अंदर बातें हैं लेकिन वो कर नहीं पाते नहीं कर पाते तो जब किसी और के थ्रू वो सुनते हैं ना तो उनको लगता है कि हमारी आवाज में कोई आवाज है। ऐसे ही। मेरा शेर है तुम्हारे लिए भी है, है। इसे तुम्हारे लिए भी कहूंगा आप सबके लिए है कि दुआ करो कि सलामत रहे दगा ना करे दुआ करो कि सलामत रहे दगा ना करे मुझे ये शख्स किसी का गुरूर लगता है अली भाई आप मैं, <laughs> मैं, मैं आप, आपकी दोस्त कितने लकी होंगे कि तो महफिल चल चलती है महफिल तो, मैफिल तो, चलती तो, तो मतलब कितनी कितनी लंबी बहुत लंबी महफिले लगी महफिलें होती है रात की महफिले होती है मेरे बड़े मखसूस दोस्त हैं बहुत ज्यादा लोग नहीं है मैं बड़े मेरे जो चुनीदा लोग हैं आप मेरे दोस्तों में से हैं मेरे छोटे भाइयों में से हैं तो जब भी तुमसे मिलता हूँ अभी तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है मिलके ऑन स्टेज लेकिन ये है कि कुछ दोस्त हैं जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे जिशान अली हैं ताबिश है और तो बहुत सारे दोस्त हैं इर्जा हैं यासिर हुसैन है इमरान अशरफ अवान हैं तो जब भी कहीं भी बैठते हैं लाहौर में तो एक महफिल जमती है उधर से जुगते आ रही हैं इधर से शेर आ रहा है इधर से मौसीकी चल रही है तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत एक जो है ना वो नेमत का एहसास होता है बोर कोई नहीं होता सब प्यार की बातें कर रहे होते हैं क्या बात है सब प्यार की बातें कर रहे होते हैं और मोहब्बत की बात से मैं थोड़ा सा पीछे वापस जाना चाहूंगा कि कब मुझे तो अली भाई लगता है कि मोहब्बत पता नहीं इस दुनिया में है नहीं है मोहब्बत तो बस वही है जो अल्लाह से कर ली बंदे वो तो वो लोग जो समझते हैं कि खुदा तक पहुंचने का कोई खलाई रास्ता है तो वो गलत फहमी में है खुदा तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता इंसान से मोहब्बत का रास्ता इंसानियत की बात कर रहे हैं कि अच्छा इंसान होना बिल्कुल ये बहुत जरूरी है इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है आप किसी भी अच्छे इंसान को देखें आप किसी अच्छे मुसलमान को देखें वो आपको सबसे पहले अच्छा इंसान नज़र आएगा ठीक है अगर आपके अंदर इंसानियत की बेसिक बातें नहीं हैं ये झूठ बोलना या बदयानती करना ज़रा ज़रा सी बात हम लोगों ने झूठ को बहुत आम समझा हुआ है वेस्ट में झूठ के ऊपर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं वो लोग कहते हैं कि अगर आपने झूठ बोला है तो ये सबसे बड़ी बद्यंहती है हम अगर जिंदगियों से ये छोटा सा हम कहते हैं यार इसमें क्या है हाँ कितनी दूर हो मैं बस अभी पांच मिनट में पहुंच रहा हूँ अरे नहीं यार नहार मैं नहा रहा था मैं बाहर खड़ा अली भाई मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ कि आपका शेर सुनकर किसी की मोहब्बत जाग गई हो फिर उसी का रोना रुकवाने में आपका घंटा लग गयो कई बार हुआ ऐसा कई बार ऐसा हुआ है और हम सवाल समझे आप लोग इन्होंने शेर पढ़ा आप ठीक हो चुके थे लेकिन एकदम आपकी पुरानी मोहब्बत जाग पड़ी और फिर आपका रोना निकलना शुरू हो गया फिर गुजरात में था और वहाँ पे जाके ना एक वहाँ पर हम बैठे थे तो एक नज्म मेरी है काफ़ी तवील नज्म है नजफ जादी सर वो थोड़ी तवील नज्म है और वो मैं आ, अभी शायद ध्यान में भी नहीं होगी मैं कुछ मिसरे हैं उसके कि बड़ी नज्म है कि नजफ जादी मदीने की तरफ रुख है अली रब मोहम्मद की कसम खाकर ये कहता है मुझे तुझसे मोहब्बत है नजब जादी तेरी सरदार आँखों में उदासी के हज़ारों शब्द रोशन हैं उदासी की सलीबों पर तेरा जितना सफ़र है और सफ़र के जितने करिए हैं वो मेरे दिल पे लिखे हैं नजब जादी सहायत तो रसूलों पर उतरते हैं फकीरों और दरवेशों के माथों पर ज़र इल्हाम सजता है अली का दिल मुकर्रम है कि इस दिल पर तेरा ही नाम सजता है तो मैं ये नज्म पढ़ रहा था तो वो जो सामने नौजवान बैठे थे तो उनकी आंखों से बाकायदा आंसू जारी हो गए थे बा, बाकायदा और वो रो रहे थे देवर क्राइंग और ऐसी खूबसूरत सुनना मैंने कहीं दोबारा नहीं देखा मुकम्मल ख़ामोशी थी और वो आंखों से आंसू बह रहे हैं मैं भी उन्हें देख रहा था मैं भी एक कैफ़ियत में चला गया नजम हुई तो उसके बाद में उनसे जा के मिला तो उस नौजवान ने फिर मुझे बताया कि इसका इस नजम को उसने कैसे रिलेट किया ही लव्ड शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट तो उसका नाम नजफ़ था तो वो उसको वो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो उससे कितनी रिलेट थी ये नज़म मैंने पहले कभी कहीं नहीं सुनाई है ये मैंने शायद ही किसी जगह सुनाई हो ये मैं आज शायद पहली बार किसी जगह जो है ना ये दूसरी बार पढ़ रहा हूँ तो पूरी मुझसे भी नहीं पढ़ी गई है ये बहुत एक मामला है तो ऐसा होता है और खुशकस्मती है मोमिन मैं तो फिल्म के अंदर कोई जज्बाती सीन देख लूँ मैं रो पड़ता हूँ तुम्हारा ड्रामा जब आया था ईसा वो रोल किसको याद नहीं है ईसा का मोमिन का तालियाँ होनी चाहिए मोमिन तो के लिए इस बात पर कितने जज्बाती मुनाज थे तो रोना गलत नहीं है मैं ये कहता हूँ अगर आपको फिल्म देख के ड्रामा देख के रोना आ रहा है तो आप अच्छे इंसान हैं ऐसे इंसान से डरना चाहिए कि जो जज्बाती सीन पे हंस रहा हो वो बंदा बड़ा खतरनाक होता है इतना मैं जानता हूँ ये पीछे वाले लड़के यही है <laughs> नहीं नहीं नहीं।, <laughs> नहीं तो अली भाई कोई कोई ऐसा यादगार फैन जिसके साथ कोई बस या... आप कोई भूल ही ना रहा हो कोई, कुछ हो जाते हैं कुछ फैंस बड़े एक्सट्रीम भी हो जाते हैं कराची में मिला मुझे एक बंदा क्या सुना है हम ना कहीं बाहर बैठे थे किसी कैफे पे तो एक नौजवान ना इधर ऐसे बैठा था इधर ना है। तो मैं इधर बैठा हूँ तो उसने मुझे देखा ऐसे करके तो साथ मेरा दोस्त बैठा था अच्छा वो मेरी शायरी सुन रहा था मुझे आवाज आई ना तो मैंने उसकी देखा कि हाँ कहता हूँ <laughs> <laughs> बाल बड़े लंबे रखने से कोई अली नहीं बन जाता <laughs> लिखल मैंने ना उसको ऐसे करके देखा तो दोस्त कहता है कि शायद ये बदतमीजी कर रहा है मैंने कहा नहीं सही है कहता दोस्त ने कहा कि अच्छा तुमने यार ये अली भाई है। कहता यार बस करना मुझे पता है एहमी ख़ाम का शक्लें मिलती होती हैं तो दोस्त ने कहा कि यार तुमने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है उनको कहता हाँ किया है कहता मैसेज करो अच्छा उसने उस पर मैसेज किया इतफाक़ से मैं उसमें देख रहा था तो मैंने उसका मैसेज जो है ना वो सीन किया मोमिन यू विल नॉट बिलीव इट कहता तुम्हारे पास भाई का पासवर्ड भी है यार मतलब वो इतनी अजीब बात थी तो मैं ना उसके पास गया तो मैंने कहा यार मैं ना तुझे मान गया हूं ना तो जब उसको यकीन आया कि मैं ही अलीजरी तो हालत देखने वाली थी तो वो बंदा मुझे आज तक नहीं भूलता जो मुझे कराची में मिला था मैं कहता हूँ यार पता नहीं कि शायद ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे जो यकीन नहीं करते होंगे ना कि आई थिंक ये भी मोहब्बत की इतहा है की हाँ। मोहब्बत उस लेवल पे है कि अगर आपकी मोहब्बत आपके सामने आ जाए तो आपको यकीन ही नहीं आ रहा मैं तो आ सकती है तो इधर उधर कहीं हो जाऊंगा मैं तो देख ही नहीं सकता प्यार को सामने चाय लेकर आए चाय लाए चाय लेकर ले आए ये सवालों के साथ चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जा रहे आए। अली भाई दिल तो मेरा चाह रहा है कि जो महफिल है ये रुके मत लेकिन वक्फा लेना जरूरी होता है तो वक्फे पे जाने से पहले वक्फे के ऊपर अगर कोई शेर है तो सुना दे मैं जरा बात करके आता हूं आप एक वक्फा लीजिए साहब वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन उम्मीद करता हूँ हद कर दी का सफर आप इन्जॉय कर रहे हैं अगर आपको लगता है आप नहीं कर रहे तो अपने साथ सच बोलना शुरू कर दें क्योंकि अली भाई ने जो आज शेर पढ़ दी है ना आज तो हद हो ही गई है आज एक्स्ट्रा हद कर दी साकिब चल रहा है एंड अली भाई हम अक्सर मोहब्बत ऐसी छोटे बच्चे को जब वो कोई का बच्चा ला के माँ बाप देते हैं तो वो मोहब्बत में उसको इतनी वोई वोई जोर से दबा देता है मर जाता है कि वो मर जाता है वो अपनी तरफ से बच्चा मोहब्बत ही कर रहा है लेकिन वो मर गया ऐसे ही 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 ऐसे ऐसे बच्चे की नीयत बुरी नहीं होती हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, तरीका है इसका हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़े अजीब है यार ये सारे पोजेशन एक अजीब है मेरा शेर था लोगों ने कहा शायरों ने ये बात की कि कॉन्सेप्ट है का। लेकिन ये असल है कि मैंने उससे प्यार किया है मैंने उससे प्यार किया है मिल्कियत का दावा नहीं वाह मैंने उससे प्यार किया है मिल्कियत का दावा नहीं वो जिसके भी साथ है मैं उसको भी अपना मानता हूं वे, 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 अच्छा ये है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है वैसे इसीलिए तो कहता हूं कि मोहब्बत बुजलों का काम ही नहीं है उफ। ये जिगरे वाले का ये का वाला फिर सुना मैंने उससे प्यार किया है मिल्कियत का दावा नहीं वो जिसके भी साथ है मैं उसको भी अपना मानता हूँ मुझको पता है वो गुस्से में किस हद तक जा सकती है अपनी जुबान पे काबू रखो मैं उसको पहचानता हूं अली भाई ये तो अंत कर दिया आपने ये है मोहब्बत ये, ये है मोहब्बत पता है क्या है ये इसकी कोई लाइन नजर नहीं आ रही लेकिन आवाज वहां पहुंची होगी जहां तुमने कहा है ये जो हमारे मुल्क की यूथ है ये इतने प्यारे बच्चे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो अली भाई की बातों को सुन रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं क्या बात है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका नेहा नुमान नेहा कैसी हैं आप ठीक क्या सवाल पूछेंगी अली भाई से अली भाई से मेरा यह सवाल है कि क्या कभी किसी ने आपकी पोइट्री को चेंज करके आपके सामने पढ़ा और आप सुनकर हैरान हुए हो यह तो मेरा शेर है आ... आपके मुंह पे ही पढ़ दियो है एक बड़ा मशहूर शायर है वो ऐसा करता है एक दो हरकतें उसने की है तो खुद दाद देना पड़ी मुझे ना कि यार क्या कहने <laughs> है, क्या, है। क्या, क्या कहते हैं जी बहुत समझ रही है ज्यादा नहीं समझ रही नहीं सही पता तो आज वो फीलिंग नहीं आ रही जो नॉर्मली आती है पता क्या कहना इंसान पैनिक हो जाता है तो समझ नहीं आती सामने जो बैठे है शायद आ, बिल्कुल तो पूछे सवाल मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपनी जिंदगी का पहला शेर क्या लिखा था और किसके लिए लिखा था पहला आ, पहला शेर मुझे याद है और वो शायद अपने आमद का ऐलान था कि दीवारों में डर निकले हैं दिल के सारे डर निकले हैं अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ अभी तो मेरे पर निकले हैं आए और ये मैंने 1999 में ये शेर कहा था ये आ, किसी के लिए नहीं था उस वक्त तो तस्वर ही नहीं था जैसे मैंने पहले बताया मोहब्बत का कोई नहीं बस ये एक आमद थी और शुक्र का ऐलान था तो अपने लिए आप कह लें अपनी आमद का ऐलान था कि भाई मैं हूँ अब मैं भी हूँ जरा देखो आ गया मैदान में आ, मैं आ गया मैदान में मेरी एंट्री हो गई है ऐसी वैसी अब हाँ। देखो क्या होता है असला क्या हाल है आपका बताए अली भाई मैं ठीक हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपका नाम क्या है विशा ईमान विशा ईमान विशा विशा ईमान माशा मैंने आपके लिए एक शेर पढ़ना है बिस्मिल्लाह पढ़े मैंने जब उसे पहले पहल देखा तो यूं ही सा लगा फिर अच्छा लगा फिर बहुत अच्छा लगा उसके चेहरे में पर्दा थे कुछ ऐसे नकुश दिल ने उसे जब भी देखा बहुत अच्छा लगा। आ, क्या कहने मैं फिर लूट लिया आपने क्या बात बहुत शुक्रिया मुझे, मुझे, मुझे आपके साथ पिक्चर लेनी गिरना चाहिए आगे भी देख लें आइए 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 आप सिर्फ उनकी कैफियत देखें इस वक्त देखे। अब 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 मैं तस्वीर लेता हूँ आपके साथ जाए जी तालियां

मुझे बहुत पसंद है इनको ही सुन सुन के <laughs> <laughs> क्या बात है और कोई आपका फेवरेट शेर यही था जो मैंने सुना दिया <laughs> <laughs> क्या बात है अली भाई के लिए कोई मैसेज <laughs> अब ऐसे ही हमेशा शेर पढ़ते रहे थैंक यू सो मच मैं oh. ऐसे ही पढ़ता रहूंगा शेर और मेरी दुआएं हैं आपके लिए सबके लिए स्पेशली आपके लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा ओके okay. बहुत शुक्रिया <laughs> आप भी दुआओं में याद रखिएगा जरूर इंशाल्लाह आई जी नेक्स्ट

कमाल गहरा गहरा था फिर इसकी तशरी आप करते हैं। आ, ये एक तरह की मायूसी भी है अच्छी बात भी है जो हालात आजकल चल रहे हैं लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा और है मैं कहता हूँ कि वो और थे जो मिले बुजदिली की राह तुझे वो और थे जो मिले बुजदिली की राह तुझे सहूंगा जान पे हैसन बेपनाह तुझे आ, तो उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे लोग हैं अभी दुनिया में मौजूद हैं लेकिन जमाना उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता जमाना किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता जमाने को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है और वो तब होता है जब आप अपने पाओ पे खड़े होते हैं आपके पीछे दुआएं हों सब कुछ हो जाता है आ, अली भाई जब आप इस फील्ड में आए तो लोगों ने बातें नहीं की क्योंकि अक्सर इस फील्ड में आने वाले लोगों को लोग निकम्मा समझते हैं वो कहते हैं कारोबार करो कोई नौकरी करो बिल्कुल मुझे बातें हुई और बहुत सारे मुझे जुमले सुनने को पड़े मिले रिश्तेदारों ने बहुत से तंज किए बहुत सी बातें की लेकिन आज जब वही लोग फोन करके भाईजान से कहते हैं ना यार अली से कहना जरा हमारे साथ तस्वीर तो बना दे को रहे पुछ, नहीं, नहीं है कि उसमें मुझे बहुत मजा आता है <laughs> आपका अल्लाह का करम मेरा अली भाई से एक सवाल है कौन सा ऐसा शेर है जो आपने पहली बार सुना और आपको लगा हो ये आपको पढ़ना चाहिए था वही अच्छा सवाल बहुत खूबसूरत अच्छा सवाल है एक शेर है आ, मुझे बहुत पसंद है ऐसा नहीं कभी हुआ कि अल्लाह करे कि मैं ये दुआ करता हूँ कि मालिक मुझे इससे अच्छा शेर अता करना मतलब उसकी अता है ना तो वो तो किसी को मुल्क के सुखन की जो है बादशाही भी दे सकता है लेकिन एक शेर मुझे हमेशा से बहुत पसंद है वो आपने सुना भी होगा लेकिन वो मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब शेर है वो इकबाल का एक शेर है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं तो ये अथॉरिटी की बात है ये शेर मुझे ना मेरे दिल के बड़ा करीब है तो ये दुआ मैं कर, करता हूँ कि मालिक कभी नात कहने का मौका मिले तो ऐसा कोई शेर हता करे ऐसा इकबाल ने कहा जैसा कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। ओ, न, नहीं मेरी पर्सनैलिटी प्यारी है तुम्हें कोई बीमारी है <laughs> <laughs> हाथ कर दी का सफर अभी खत्म नहीं हो रहा हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक इस तरह जाकर इस तरह आएंगे विद आके। वेलकम बैक आ आ जाए आ जाए जल्दी से आ जाए पढ़ने लगे थे शेर मैंने रोक दिया एक सेकंड रुक जाए लोग आ रहे हैं क्योंकि आपके बगैर मजा नहीं आता ना क्योंकि मैं अट्ठा मोहब्बत टू वे होती है आपकी और मारी मोहब्बत ऐसे है तो अली भाई से बातों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो जहाँ अली भाई से पूछेंगे कुछ सवाल और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अली भाई जल्दी जल्दी से देंगे उनके जब आप ओके मोहब्बत शायरी में ज्यादा खूबसूरत लगती है असल में बहुत बड़ी आजमाइश है दुरुस्त तीन राइटर्स या पोइट्स जिन्होंने शायरी की दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हज़रत मीर तकी मीर ठीक हो गया और इकबाल और जनाब फैज़ तालियां तीनों के लिए तालियां किस एक्ट्रेस को देख के सबसे अच्छी रोमांटिक शायरी निकलेगी मायरा खान मैब शयात हानिया आमिर सबा कमर सबा कमर सबा कमर ठीक हो गया इसकी क्या वजह एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं और उनके बहुत रिच जो होते हैं ना उनके एक्सप्रेशन बहुत होते हैं बहुत मुझे पसंद हैं बहुत पसंद है बिल्कुल ठीक है अगर किसी रोमांटिक फिल्म में हीरो का रोल मिला तो किस एक्ट्रेस को अपने ऑपोजिट चाहेंगे मीरा जी मलाइका अरोड़ा सुष्मिता सेन हानिया आमिर सुष्मिता सेन उसकी क्या वजह क्योंकि वो सुष्मिता सेन है आए मैं आगे नहीं पूछूंगा अगर अपनी जान बचाने के लिए आपको कहा जाए कि एक मजाया लतीफा सुनाए तो कौन सा सुनाएंगे जान बचाने के लिए हाँ। जे मेरी तुसी जान बचा तुसी तोड़े सारे रही जान बच जाएगी ठीक है मुश्किली बचेगी लेकिन <laughs> मुझे फिल्म्स और ड्रामास के गाने लिखने की बहुत ऑफर्स हुई लेकिन मैंने सब ठुकरा दी आ, सब नहीं ठुकरी मैं, लिखे हैं जैसे एक ओ एस टी मैंने लिखा था मैं वो दुनिया हूं जहां तेरी कमी है साइया ज़न मुरीद का वो ओ एस टी था उसके बाद कुछ ऑफर्स हुए लेकिन एक तो मेरा तबीयत उस मेरी तबीयत उस तरफ नहीं गई दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि ये शायर को उस तरह से डील नहीं करते ये लोग इनके कुछ अपने मामले हैं तो मुझे वो बातें समझ नहीं आती हैं इनकी तो मैं अपने अंदाज से दिखता हूँ मैं डिक्टेशन नहीं लेता आप यू लिव लाइफ योर वे यस 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 और आप, जो कि ठीक भी है इसलिए आप खुश हैं यस बिल्कुल ठीक है मैं अपनी शादी पे मुंह दिखाई में पैसों की जगह अपनी शायरी पेश करूंगा क्योंकि मेरी शायरी बहुत कीमती है हाँ बिल्कुल मैं शेर तो कहूँगा लेकिन मैं उन्हें कुछ तोहफा लाजमी दूंगा और वो हो सकता है कि वो कोई आ, कोई किताब हो को बहुत अच्छी वो मैं किताब पेश करूंगा क्या बात है नॉलेज yes. से भड़के क्या चीज़ है हाँ, इससे बड़ा एसेट ही कोई नहीं है बात वो चल जाएगी टी वी पर वैसे मेरा हाँ, जी हाँ, चाहता है कि मैं मैं चूंकि स्मोकिंग करता हूँ तो मेरी बड़ी एक फैंटसी है कि जब मेरी शादी हो ना तो जब मैं सिगरेट जलाऊं तो वो लाइटर से ना वो मेरी सिगरेट को लिट लेट करेंट क्या बात शॉट कितना आएगा रजनीकांत ये बात स्मोकिंग क्या लिखा होता है फिल्मों में इंजूरियस टू हेल्थ इन लोगों को आप शायरी में किस तरह बयान करेंगे या ठीक है मंटो मेरा बेसाख्तापन इनके लिए खतरा है साख्ता लोग मुझे क्यों ना मुसीबत समझे आलिया भुट्टो भुट्टो साहब कि हम ऐसा कहने वाले जब तलक हैं गज़ल बंदूक पर भारी रहे नुसरत फतह अली खान साहब अरे वो तो सा खान साहब का तो क्या कहना खान साहब के लिए अभी कोई मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह दुनिया में एक सूरज है हमारी गलेक्सी में एक चांद है नुरत फ़तह अली खान साहब भी बस एक ही है दूसरा नुसरत फतह अली खान ना हुआ है ना हो सकता मुलाकात हुई हुई है आपकी नहीं मैं आ, मैंने उनको फैसलाबाद में चूँकि रहता रहा हूँ लेकिन वो बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया उस वक्त तो हम उस इतना बड़े नहीं थे 1996 में थे, तो मैंने शायरी का आगाज़ 1999 में किया था तो मेरी उनसे मुलाकात लेकिन आ, उनके जो बाकी खानदान के जुर्ग उनसे मेरी हैं। जी। सुभान आ, अदाए इश्क हूँ पूरी अना के साथ हूँ मैं इश्क़ हूँ पूरी अना के साथ हूँ मैं खुद अपने साथ हूँ यानी खुदा के साथ हूँ आखिरी ये हमारी टीम की तरफ से मतीरा जी मतीरा जी आ, उसने अपने नजरअंदाज को एक समत किया फिर किसी और के ठुकराए हुए तक पहुंची अरे क्या बात है आलिया अच्छा अली भाई अब आपने ना ये जो अल्फाज हैं इनसे कुछ शेर बनाना है हमारे लिए ठीक है झूठा लूटा टूटा पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा अपना नशा लगा के तुम्हें छोड़ जाएगा महीना पसीना हसीना आ, याद भी याद के खजीने भी याद भी याद के खजीने भी आ गए हिजर के महीने भी आए अच्छा अब आपने जो है गेस्ट करना है किन का शेर है और क्या देखने को बाकी है आपसे दिल लगा के देख लिया हाय शेर बहुत अच्छा है लेकिन मेरे ध्यान में आप गैस अच्छा उसमें आप कोई हिंट दे रहे हैं मुझे किसी हिंट शेर? दे दिए मैंने और क्या देखने को बाकी है आपसे दिल, आप दिल लगा के आपसे दिल लगा के जी तो सच है ना कुछ शेर सुनाओ फैज अहमद फैज साहब का शेर अल्लाह सुबह अल्लाह ये फैज साहब के शेर है फैज साहब के शेर ये तो काफी कॉमन है मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी वो झूठ बोलेगा और लाजवाब करवीन शाह के रहे उनके लिए तालियां ये ये हर पॉइंट डिजर्व करता है तेरी आंखों के कोनों से जो आंसू बहे तेरी आंखों के कोनों से जो आंसू बहे कभी कोई मोमिन को भी तो आई लव यू कहे यार तू अपनी हसरत इतनी दसनिया ने सारी है। अब मम्मी बंदा आमदे सामने ही गल होएगी दा सारी यार ए ते तेरे शेर लग रहा है मन्नू मोम मेरा ही है बात भी कीजिए देख भी लीजिए देख भी लीजिए बात, बात भी, भी कीजिए खानदानी मुनाफिक हैं आप इसलिए दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए मैं गलत बात बिल्कुल नहीं मानता बात करनी है जो भी खरी कीजिए और तंज करना है मुझ पर अजी कीजिए कर रहे हैं सभी आप भी कीजिए आहा आहा इसी के बिला जी को माइक दें ये भी बहुत शायरी करते हैं तो हमारी टीम के मेंबर हैं लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं आह लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं इतना डरते हैं तो फिर घर से निकले निकलते क्यों है वाह 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 वा। आप शो पर आए और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज्यादा मज़ा आया हालांकि हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था तो मैं आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप आए हद कर दी वो आपने यू ब्लेस्ड अस विद योर प्रेजेंस थैंक यू तो सो मच उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ये हद कर दी का एक्सपीरियंस बड़ा ही मुझे आ, वैसे ही आमतौर पे यूजली बोलते हैं सभी लोग जितना मज़ा मुझे यहाँ आया और कहीं नहीं आया लेकिन मुझे वाकई बहुत मज़ा आया है एक तो माशाल्लाह तुम्हारी जो एनर्जी है तुम एक एनर्जी का तूफ़ान हो पॉजिटिविटी है तुम्हारे अंदर और जो बंदा भी तुम्हारे करीब होता है वो खुश होता है दूसरा ये जो ऑडियंस आपकी आज यहाँ पर मौजूद थी ये बहुत ही प्यारे नौजवान ये बच्चे बच्चियाँ जो कॉलेज से आए हैं स्कूल से आए हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आगे थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच चले भाई शो का एंड किस चेज से करना चाहिए किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है ये ऐहद इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स दिस वाज अली फॉर यू आई होप कि आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा ये जो शेर इन्होंने आज पढ़ दी है इनको आपने सुना भी होगा ये आपके दिल को भी लगे होंगे आपने इनको समझा भी होगा बाकी याद रखो प्यार मोहब्बत सब दो क्या पढ़ ले बेटा यही मौका है मिलेगी आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह आप इस में याद रखना आई लव यू ऑल